तो यहाँ पे सज रही है मंदिर मेरी कल रामायण के लिए। सब जी सजाए हैं? नहीं, कौन सजाया? मामा को जाता है। मामा सजाए? हम तो अभी आए हैं। सब लोग मिलके सजाए हैं, बहुत अच्छा। नहीं मामा, निकल गया। ये बीच में सजाए हैं, हनुमान जी की भी फोटो है। तो यहाँ पे अभी गाइस हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 12:30 बज रही है और यहाँ पे चल रहा है कल की तैयारी सबका, फेशियल ब्लीच मसाज कल यानी कि शादी की, कल परसों की शादी की तैयारी। यहाँ पे ये मोहतरमा बैठी हैं और ये पार्लर वाली दीदी जो होम सर्विस हम लोगों को दे रही हैं रात में, वो भी नाइट सर्विस। और फिर ये और इसके बाद अगला नंबर है मेरा। दीदी अभी करवा चुकी हैं थ्रेडिंग, दीदी को आ रही नींद, जा रही सोने। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इंतजार अपने नंबर का। टाइम हो रही 12:30, आप देखते हैं कितने बजे सोते हैं। कल सुबह कीर्तन भी शुरू होने वाली, कीर्तन नहीं रामायण सॉरी, बैठने वाली है वो भी 8 बजे से। तो हम लोग कितनी जल्दी कौन रेडी होता है, ठीक है। कल सुबह सबको 7 बजे रेडी हो जाना है। हम सोएंगे आराम से, हम भी नहीं उठ पाएंगे, सोएंगे लग रहा है। तो ये मेरी थ्रेडिंग देखा है कितना बड़ा बड़ा हो गया इधर, हम तो यहाँ पे अभी पंडित जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। पंडित जी ये मंदिर प्यारी सी, इसमें भी एक लाइट की कमी है, जब वो लाइट जलती है तो लाइट देती है, वैसे सफेद लाइट लगानी चाहिए। सही बात है, लाइट की कमी लग रही है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परब्रह्म नमः। ओम श्री गुरुवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मावायां हस्तव्यं पूजयामि ध्यानासि अच्युतानि पुष्पाणि रतः। ओम हरि ओम महा ओम हरि ओम महा सभी देवताहूत नंदन्य सरदूरंति देवायुनां सिंहा जरसंतनुनां महाजलपितरो भवंति मानो मध्यारे नितांता इन्हें जीवामदवाहुत सुनो देवा ओम भद्रम्पसे मायसिदायिरंगे इत्वासमुनुरुदम देवायतम्यदायुतदमिन्यसरदूरंति देवायत्रानचक्रागरसंतनुनां महा यदपितरो भवंति मानो मध्यारे नितांता। ऊपर बहुत शोरगुल है, आवाज नहीं आएगी आप लोग। थोड़ी सी वीडियो मुझे नीचे शूट करनी है, बोल के बताना है कि आज क्या है। आज है तिलवाई और तिलवाई की पूजा शुरू होने वाली है 2 बजे से, तो उसके लिए अभी मैं रेडी हुई हूँ। मैं सुबह से ही वाली साड़ी पहन ली हूँ क्योंकि रामायण बैठनी थी तो उसकी तैयारी में। और इसके बाद अभी सब लोग चेंज करेंगे, इसके बाद तिलवाई की रस्म होगी। तो कैसे होती है यहाँ पे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। और मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर करूंगी क्योंकि साथ साथ में बोलना बहुत ही मुश्किल है, वीडियो बन जाए मेरे लिए उतना ही बहुत है। और भैया की तबीयत ठीक है, भैया आराम कर रहे हैं, अंदर सोए हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी वो नहीं है। जो उसकी बाजा वाजा जो ऊपर बज रहा है उसकी आवाज़ भी धीमा कर दिया गया है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग अभी चलते हैं तिलवाई की रस्म जो होगी उसको। तो गाइस यहाँ पे होने जा रही है भगवान जी की आरती और हम बता चुके पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रगटे विश्राम जनते राम गाय गरियाए नित नाम।
गनमोद बनाए जब ते नाम प्यार करियाए तिन मंगल मो दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध मातारी मुनि पदहारे अद्भुत रूप विचारे तो जन्य बिना पुत्र जन्म सुने गाना सिया तो यहाँ पे आरती पूजा होने के बाद ये सेकंड मीटिंग का टाइम है जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है क्योंकि ये सब काम मुझे जो पूजा वाले काम होते हैं ये सारे काम मुझे करने हैं क्योंकि भैया पूजा में बैठ नहीं सकते हैं तो दीदी अकेले कैसे करेंगे तो ये हम और मतलब मैं और मुझे और मेरे हस्बैंड को करना है। तो यहाँ पे ये नाउन दीदी हैं जो यहाँ पे मुझे ले आई हैं टिकना करने के लिए। तो हम लोगों के यहाँ ना ससुराल में इसी टिकना से ही पूजा शुरू होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काली चौरा का मंदिर होता है यहाँ पे टिकना होता है तो मतलब इसको टिकना बोलते हैं हम लोगों की तरफ। तो यहाँ पे सिंदूर और तेल लगा के माता जी को टीका किया जाता है। इसके बाद घर आके वापस सारे काम किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये नाऊ दीदी जो है मुझे गाइड कर रही हैं ऐसे ऐसे करना है। तो मैं यहाँ पे सारा पूजा वगैरह कर लेती हूँ और करने के बाद मैं घर पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे सारी और भी जितनी औरतें हैं यहाँ पे आज के दिन इस फंक्शन को कहते हैं तिलवाई। तो यहाँ पे ये जो तेल इसमें मिट्टी के घड़े में रखा हुआ है ये तेल और सिंदूर और पहले तो सबको टीका किया जाता है। मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि बहुत सबके साइड में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो मेरे ससुराल में कुछ ऐसे होता है और मेरी शादी के बाद ये पहली शादी है घर में। तो यहाँ पे मैं सारे रीति रिवाज को देख नहीं रही हूँ बल्कि कर रही हूँ। ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ पे सारा पूजा मतलब मुझे ही करना है। तो ये जितनी भाभियाँ लोग हैं मोहल्ले के सब लोग तो सबको टिकना करेंगे। इसके बाद सिंदूर और जो तेल मैंने डिब्बे में पैक करके रखा हुआ है तो वो सबको बटेगा और चने की दाल और गुड़ के साथ इतना सब कुछ दिया जाता है। तो इसके पहले तो अभी टिकना होने के बाद हम लोग जाएंगे तलवा द्वारे पे। Thank you.
तो यहाँ पे जितनी भी औरतें आई थी सबको टिकना करने के बाद जाया जाता है तलवा द्वारी पे। तो यहाँ पे मैं भी जा रही हूँ तलवा द्वारी पे। और यहाँ पे ना मैं बता दूँ, जो साड़ी वह पहनी हुई है माइके से साड़ी आती है। तो यहाँ पे दीदी के भैया जो आए हैं, भैया वो तो साड़ी अभी ले के आए हैं तुरंत माइके मतलब मार्केट से। तो मैं मुझे भी यही साड़ी पहननी है और इसी चूनर के साथ। तो मैं यहाँ पे अभी रेडी हो गई हूँ। और जब तक शादी के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, जब तक पूरे नहीं होते तब तक यही साड़ी पहन के जितने भी फंक्शन होते हैं सब फंक्शन को अटेंड करना होता है। चलो नानी, चलो 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 आगे आगे हो। ये तालाब नहीं जंगल है। पूरा देखिए एरिया। तो गई ये जंगल है, ये जहाँ हो रहा है फंक्शन। इतना सुंदर आ रहा है वीडियो में, बहुत अच्छा आ रहा है। और बंदर भी बहुत है। हाँ बंदर तो बहुत बैठे हैं ऊपर। और आपको हम दिखा रहे हैं पूरा धीरे धीरे करके। देखिए ये तालाब जंगल सब मिक्स है। ये ऊपर बंदर भी बैठे हैं। तालाब गांव में भी रहते हैं। यहाँ के हमारे ऊपर साथ बहुत दरिया होती है। इधर वो लोग दरिया डाले होती है। अरे यहाँ, अरे सही है, यहाँ साफ है, यहाँ साफ है, यहाँ नहीं है। कितना दरिया है नहीं सबका। और सब यहाँ और तो गाइस यहाँ पे अभी सब वार्तालाप हो रही है, कुछ किसी मैटर में बात हो रही है। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक चल रहा है। हाँ वो तो गाती ही है। अच्छा जा रहा है मौसी, भाभी लोग सुनिए तो छोड़िए तू पका। जाओ हम के कहीं से दियाती। गाओ 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 समनवा तो कहीं दियाती है। कहीं जोन हुआ बाय वही वही हम दियाती है। सब यहीं के पेरिस से कोई नहीं आया है। इतने लोगों पकड़ लियो भाई।
नहीं कि मेरा रुवन कई तिलारे अब कालूटी के बुरे चिंकी बेटी का ये रूरी गने तारे अब कालूटी के रितु का टिंगारे अब कालूटी। वीडियो सब दिव्या आ रहा है, आप डाल दीजिएगा, ऐसे एडिट मत करिएगा। लेटी काई ले गौरी गाय रे अब काउटी कबू सिन कर सिंगारे अब काउटी कबू बताए जावे ले गौरी गाय रे अब काउटी कबू ना उन बहिनी कैटी जन्म बच्चा बिटिया बेटा बिटिया बेटा कुछ तो हुए और का बार बार वही ना कहा कहा अच्छा देखो विक्की का उनका कहा इनका कहा विक्की छोड़ दो वही तो हमारी तरफ वाला कोई गावे वाला है ना ना कि गाय दे जोड़ी है ये ले लो अभी का और यहाँ पे वहाँ से तलवा द्वारी होने के बाद हम लोग आ गए हैं घर पे और घर पे ये जो तेल रखा हुआ है तेल चना दाल उड़द ये सारी चीज़ें यहाँ बढ़ती हैं तो जितनी मुझे देनी होती हैं तो मैं यहाँ पे अभी सबको दे रही हूँ और बहुत ही मज़ा आया इंजॉय मतलब हुआ वहाँ पे जो तलवा द्वारी पर होता है सारी ड्रेस में मैं पहली बार देख रही हूँ लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तुम लोग का बना ले यहाँ चाय बन रही है हर्ष लगे हुए हैं भैया की शादी में जुटे हैं थोड़ा किचन संभाले बेचारे लगे ले और इधर यशी भी हेल्प कर रही है और इधर थोड़ा थोड़ा मेहनत भी कर रहा है ना नही सब लोग यहाँ पे नाश्ता बना रहे हैं यहाँ पर पहले वो काम कर।
तो यहाँ पे आज रहा तिलवाई का जो मतलब रीति रिवाज होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं हल्दी संगीत मेहंदी के। तो मिलते हैं उन्हीं सारी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।